सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में अपने कंट्रोल्स को हाइड कैसे कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड देन तुम्हें यहाँ पे सर्च बार में माइनक्राफ्ट हाइड कंट्रोल्स लिख के सर्च कर लेना है एंड ये वाले ऐप को तुम्हें सिंपली इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। एंड ऐप को ओपन करते ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ से तुम्हें सिंपली आगे की तरफ जाते जाना है। एंड नाउ तुम्हारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे एंड यहाँ से तुम्हें सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन तुम्हें यहाँ से आगे की तरफ चले जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से तुम्हें सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है एंड देन तुम्हें यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको तुम्हें सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड देन तुम्हें प्ले वाले बटन पे जाके माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट करते ही तुम्हारा गेम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ से तुम्हें सिंपली सेटिंग में ग्लोबल रिसोर्सेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें अपनी रिसोर्स पैक की फाइल देखने को मिल जाएगी एंड इस पैक को तुम्हें सिंपली एक्टिवेट कर लेना है। एंड नाउ जल्दी से वर्ल्ड में चल के देखते हैं। ओके सो हम लोग अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं एंड तुम लोग देख ही सकते हो हमारे कंट्रोल्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं एंड आल्सो कंट्रोल्स गायब करने के बाद गेम को खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए तुम्हें या तो अपने कंट्रोल्स की पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए नहीं तो तुम्हें बाद में इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना तुम मेरी तरह इस पिक को भी नहीं मार पाओगे। सो या गाइस आज की वीडियो के लिए कुछ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा देना एंड आल्सो अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा दो जिससे तुम ऐसी और मजेदार वीडियोस देख पाओगे। एंड या मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।